अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी भारत से जर्नलिस्ट आशीष सिंह। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू, आपके सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से नमस्ते और थैंक्स अगेन, आपने इनवाइट किया जी आपके। थैंक यू सो मच कि आप आए हैं और आज आप लोग मान जाइए कि हमारा अंदाजा सही था और डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं और आपका सारा मीडिया चिल्ला चिल्ला के बैठ गया। और आज मैंने बहुत से लोगों को फोन करके कहा कि देखें आपके फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप उनके इस विजिट को और आप भी आ जाइए। मैं तो यही कहूंगी कि आप भी मीडिया से हैं तो व्हाई डोंट यू कम। और अब तो अच्छा एक रीजन भी है कि फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीडिया तो आता ही है, लेकिन ये कि उनके विजिट को आप कैसे देखते हैं। देखिए आरजू, अगर मैं एक इससे पूरे एक स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में कहूँ तो जो डॉक्टर जयशंकर कर रहे हैं अभी वहां जाकर, वो पाकिस्तान की सरकार के साथ खेल रहे हैं क्रिकेट कि बायलैटरल नहीं करेंगे, इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं करेंगे, मल्टीलैटरल वर्ल्ड कप होगा या फिर बाकी कोई और सीरीज होगी तो उसमें इंडिया को कोई दिक्कत नहीं है पाकिस्तान के साथ में खेलने में, लेकिन बायलैटरल नहीं होगा। ये स्पेसिफिकली रीइटरेट भी कर दिया उन्होंने अभी एक दिन पहले, उन्होंने कहा कि मैं वहां पर जा रहा हूं बातचीत करने के लिए, लेकिन केवल और केवल एक SCO के अच्छे मेंबर होते हुए मैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पे बातचीत नहीं करूंगा। बाय एंड लार्ज यही पॉलिसी इंडिया की क्रिकेट में भी है और बाकी अधिकतर स्पोर्ट्स में भी है। तो हम अगर पाकिस्तान ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करता है तो हम ओलंपिक्स को थोड़ी बॉयकॉट करते हैं, हम ये कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में मैच नहीं होगा। सो बायलैटरल आपको कोई नई बात नहीं है, ये आप हमेशा ही देखिए कि बायलैटरल इन जनरली इंडिया ने इसे अवॉइड किया है, एक्सेप्ट सार्क का एक एक्सेप्शन लेके जो कि 2014 से पिछले 10 सालों से लगातार चल रहा है। लेकिन एक और चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होगी, जनरली ये जो मीटिंग के लिए 15-16 को डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं, अब इसमें देखिए ये मीटिंग SCO HOGs की है, यू नो, और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स में इससे पहले, मैं खुद कई SCO मीटिंग्स अटेंड कर चुका हूँ, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी हर SCO हेड्स ऑफ गवर्नमेंट वाली मीटिंग में जरूर गए हैं, इसमें नहीं गए। सो देयर इज अ लेवल डाउन एज वेल, और वो प्योरली एक इंडिकेशन है SCO मेंबर्स के लिए भी और साथ ही साथ जो जितने 8 मेंबर्स हैं सभी के लिए भी, और साथ ही साथ पाकिस्तान को ये स्ट्रांग मैसेज है कि उतना हम हाईएस्ट लेवल पर नहीं करेंगे, एक नॉच नीचे करेंगे, और एग्जैक्टली वही किया जा रहा है। पर लार्जली अगर आप देखें तो ये एक इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है, चाहे स्पोर्ट्स हो या फिर डिप्लोमेसी, वो बायलैटरल अब एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो पीएम मोदी से ज्यादा फेमस है पाकिस्तान में, और वी आर सो हैप्पी कि वो आ रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि हम नहीं समझते कि वो कोई लेवल डाउन हो गया है या कोई ऐसी बात है, वो इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर तो आप कोई और मिनिस्टर भेज देते, कोई और किसी भी छोटी मिनिस्ट्री के, तो फिर शायद फर्क पड़ता है, लेकिन अगर डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं तो वो इक्वली पाकिस्तान तो उसी तरह से देख रहा है। लेकिन फिर भी आपके ख्याल से, वो तो उन्होंने कह दिया है कि इंडिया पाकिस्तान पे बात नहीं होगी, बट आ रहे हैं, यही अपने आप में एक बड़ी बात है कि पाकिस्तान का विजिट कर रहे हैं। तो आपके ख्याल से SCO मीटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है और कौन से पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर बात की जाएगी इसमें? आजू फेमस तो आप ज्यादा हैं शरीफ से इंडिया में, सो आप अगर इंडिया में आएंगे तो इसका ये मतलब तो नहीं होगा ना कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इंडिया के साथ एक ऑफिशियल लेवल पर एंगेज कर रही है। फेमस तो शाहरुख खान होंगे, शाहरुख खान चले जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं होगा ना कि डॉक्टर जयशंकर के जाने का मतलब होता है। पॉपुलैरिटी अपनी जगह होती है और पॉलिटिक्स और साथ ही साथ जो ऑफिशियल और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स वाले डोमेन में अगर आप देखें तो जो प्रोफेशनलिज्म होता है वो अपनी जगह पर होता है। लेकिन जो चर्चा होनी है वो क्लियर है कि SCO को लेकर इंडिया बहुत सीरियस रहा है, और इंडिया SCO, ब्रिक्स, ऐसे बहुत सारे जो अलग मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स हो उसमें एंगेजमेंट रहा है, चाहे वो कनेक्टिविटी हो, इकोनॉमी हो, स्पेसिफिकली ट्रेड और जो सप्लाई चेन को लेकर। ऐसे समय में जब दो एक्टिव और बड़े वॉर फ्रंट्स वर्ल्ड पूरा देख रहा है, रशिया यूक्रेन तो चल ही रहा है, 2 साल से ज्यादा हो गया, अब ऑलमोस्ट 1 साल अभी पूरे हो जा रहे हैं एग्जैक्टली इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में, और साथ ही अब वो इसराइल वर्सेस ईरान का रूप ले चुका है।
तो ऐसे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किन किन चीजों को लेके, चाहे वो सप्लाई चेन हो, इकोनॉमी हो, और उसमें सब सब सफर करते हैं। जो SCO के 8 members है वो भी सफर करते हैं, इंडिया भी सफर कर रहा है। अभी अगर आप पिछले 2-3 दिनों में देखें तो हमारे मार्केट्स बहुत ज्यादा नोज डाइव हुई है, और ये एक कंसर्न पूरे वर्ल्ड के सभी के लिए, चाहे वो मेजर इकोनॉमी हो, माइनर इकोनॉमी हो, फास्टेस्ट ग्रोइंग हो, स्लोएस्ट ग्रोइंग हो, ये सभी के लिए ये मैटर करता है। तो ये सब मुद्दे जो जनरली हम मल्टीलैटरल फोरम में देखते हैं वो होगा। लेकिन एक बात आप तय मान लीजिए कि ये जरूर होगा कि जो मैंने कहा ना कि डॉक्टर जयशंकर जो कर रहे हैं पाकिस्तान जाके, वो खेल रहे हैं और वो क्रिकेट की तरह खेल रहे हैं, ही इज अ बिग फैन ऑफ क्रिकेट लेट मी टेल यू, और वो जरूर करेंगे कि पाकिस्तान में आके आतंकवाद की उलटॉस पे वो छक्का जरूर मारेंगे। आप उसे लिख ले लीजिएगा और हम वापस बात करेंगे डॉक्टर जयशंकर के विजिट कंप्लीट होने के बाद में, तो वो जरूर करेंगे। वो सामने वाले, एक होता ना कि आप अगर आप होस्ट हो या फिर एक थर्ड न्यूट्रल लोकेशन पर मैच अगर आप खेलते हैं, तो जीतने का वो मजा नहीं होता है जब आप सामने वाले के जमीन पर, सामने वाले के पिच पर आप उसे एक फुल टॉस पे छक्का मारते हैं, जीतते हैं। तो ये जरूर होगा, इंडिया विल नॉट लीव दैट अपॉर्चुनिटी, वो लाउड एंड क्लियर जरूर करने की कोशिश करेंगे। और बाकी जो मुद्दे मैंने कहे वो न केवल इंडिया के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए वो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। स्पेसिफिकली अभी जब वो इसराइल वर्सेज ईरान थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ती हुई दिख रही है और आगे उसका कोई इमीडिएट सोल्यूशन नहीं दिख रहा है, उसमें कुछ समय लगेंगे, तो वो जरूर फोकस रहेगा। और बाकी तो जाहिर सी बात है कि कनेक्टिविटी, ट्रेड, इकोनॉमी, इन सभी चीजों पर फोकस रहेगा, जो कि इससे पहले वाले SCO मीटिंग्स में भी रहेगा, जहां पर रहा था, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी अटेंड करते थे SCO हेड्स ऑफ गवर्नमेंट वाले सारे सारे मल्टीलैटरल। तो सर जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर आए थे बिलावल भुट्टो जरदारी और उन्होंने वहां सिक्सर मारे थे तो आप लोगों को पसंद नहीं आए, और आप लोगों ने उसके बाद जो SCO मीटिंग थी उसको दिल्ली में वो कैंसिल करके और उसको मतलब उसको ऑनलाइन कर दिया था। लेकिन खैर है, दोनों तरफ की कंट्रीज के जो मिनिस्टर्स हैं, खास तौर पे पब्लिक को तो नहीं लेकिन मिनिस्टर्स जरूर जब एक दूसरे के यहाँ जाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि कोई सिक्सर मार दें ताकि वापस आके कह सके कि हमने वहाँ उनके उनकी कंट्री में बैठ के बात की है, और ऐसा होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि कोई हर्ज नहीं है अगर डॉक्टर जयशंकर यहाँ के पाकिस्तान के कोई वीक पॉइंट्स जो हैं उन पर अगर बात करेंगे तो आई होप कि हमारे जो लोग हैं उनको उसको समझना चाहिए उस बात को, बजाय उस पे नाराज होने के। लेकिन आपने बात की ईरान की और इसराइल की, इस रीजन में क्या खतरा देख रहे हैं आप? जाहिर है ईरान तो यहीं पर है, और अगर ये टेंशन बढ़ी तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान या बाकी कंट्रीज जो इस रीजन की है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आई वॉज देयर आरजू, मैं एग्जैक्टली 1 साल पहले 8 तारीख को इसराइल में था, और ऑलमोस्ट 1 महीने हमने वहां पर खुद कवरेज किया था। बट बिफोर आई आंसर दैट क्वेश्चन, आपने क्योंकि आपके फॉरेन मिनिस्टर की बात की, देखिए भुट्टोज और जरदारीज यहाँ पे इतने पॉपुलर नहीं है। आपने कहा ना जैसे डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान में पॉपुलर है, तो वो हमारे ओपनिंग बैट्समैन में आते हैं। जरदारी और भुट्टोज आके टेल एंडर हैं आपके, राइट? वो आपके यहाँ भी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, वो टेल एंडर बैट्समैन है। तो जो कह के गए थे वो सिक्सर या बाउंड्री नहीं था, वो सिंगल 1 रन निकाल के उन्होंने क्रीज चेंज करके चले गए थे वहां पे। सो इज नॉट पॉपुलर, टेलेंडर की तरह उन्हें देखा जाता है। इतना कोई बहुत उसका एक्शन या रिएक्शन, ट्रैक्शन नहीं मिला एज फार एज हिम इज कंसर्न, पर ठीक है, अपनी ऑडियंस के लिए उन्होंने जो किया किया। इसराइल और ईरान वाली चीज आरजू बहुत वोलाटाइल है, इसलिए वोलाटाइल है क्योंकि बहुत डेप्थ देखी जा रही है ईरान की तरफ से स्पेसिफिकली। जब हिजबुल्ला के टॉप लीडरशिप के एलिमिनेशन चालू हुआ, और ये लगभग हम पिछले कुछ महीनों से सीरीज देख रहे हैं, और स्पेसिफिकली नसरुल्ला के बाद में ये एक पीक पे पहुंचा, और उसके बाद में बहुत रुक के, देख के, संभल के, स्ट्रेटजिकली ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है, इसराइल भी कर रहा है। तो अब ये एक एक्शन रिएक्शन वाला चेंज चल रहा है। तो ये बहुत डेंजरस वर्ल्ड के लिए इसलिए हो जाता है, बिकॉज जरूरी नहीं कि सारे के सारे कंट्री डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व हो जाए, लेकिन इम्पैक्ट सब पर पड़ेगा। जहां तक रही बात ईरान को कंट्रोल करने की, अ लॉट डिपेंड्स ऑन वॉशिंगटन पे और मॉस्को प्लस बीजिंग, कि वो किस तरह से ईरान को सपोर्ट या फिर रुकने की बात कहते हैं। एक ट्रेंड सा देखना होगा अगले कुछ हफ्तों में
कि कितना चीन पे इम्पैक्ट हो रहा है, कितना अमेरिका को फायदा या नुकसान हो रहा है, क्योंकि जनरली हमने देखा है कि अमेरिका को फायदा हो जाता है इन लार्जली अगर आप डोमेन्स में देखें जब कहीं भी वर्ल्ड में वॉर हो रही होती है, चाहे वो कभी ऑयल के थ्रू होगा या कभी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वेपन के ऑर्डर्स के थ्रू होगा। रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, आई एम श्योर आपने देखा होगा और सभी को ये एक पैटर्न सा दिखाई दिया होगा, इस सारी की सारी अमेरिकन डिफेंस कंपनीज के शेयर्स ऑल टाइम हाई थे, उनके ऑर्डर बुक्स फुल हो गए 2040-45 तक के लिए, उनके ऑर्डर बुक्स फुल हो गए। तो अमेरिका की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जिसमें पॉलिटिशियंस भी और सेनेट्स और लॉबीज का भी एक कनेक्शन होता है, तो ये उनके लिए बहुत एक डायरेक्ट बेनिफिट वाली बात हो जाती है। कुछ हफ्ते देखना होगा कि कितना मॉस्को चाहेगा रूस की तरफ से कि ईरान को और चाबी भर के या सपोर्ट करके रखे, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट इसराइल, इट्स अबाउट काउंटरिंग अमेरिका, सो काउंटरिंग अमेरिका वाया इसराइल। बीजिंग भी यही काफी कुछ चाहेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी आग लगती है तो कोई जलता है और कोई नहीं जलता है तो उसको आँच तो जरूर आती है, उसे भी एक हीट फील होती है। तो ये मैं एक बहुत कॉमन शब्दों में बता रहा हूँ, पर आई एम श्योर आपके ऑडियंस आपके व्यूअर्स इसको जरूर इन द स्ट्रेटेजिक डोमेन समझेंगे कि ये वहां तक इसे खींचा जाता है, वहां तक उसे पुश किया जाता है जब तक आप पर इसका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर नहीं हो, एक चीज ये होती है। दूसरी चीज होती है कि आपका उसमें कितना फायदा या नुकसान होता है, जो मैंने एग्जाम्पल्स अभी दिए मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वाले, ऑयल इकोनॉमी वाले, ये सभी चीजें देखनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली ये इट विल नॉट बी जस्ट जूस वर्सेस मुस्लिम ब्रदरहुड वाली या फिर जो इस्लामिक टेरर ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो हमास हो या फिर हिजबुल्ला हो या फिर बाकी इस तरह के और टेरर ऑर्गेनाइजेशन हो, ये केवल वहां तक सीमित नहीं रहेगा, ये उसका कोर होता है, लेकिन उसकी जो फर्स्ट रिंग सेकेंड रिंग है वो अगले आने वाले कुछ हफ्तों में हमें इंटेंसिटी दिखाई देगी। हैविंग सेड दैट, मुझे नहीं लगता कि ये आउट ऑफ कंट्रोल जाएगी, ये आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाएगी, ये कंट्रोल्ड मेजर्स में रहेगी। इसीलिए एससीओ भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां पर जैसे मैंने कहा कि रशिया और चीन भी कितना ईरान को सपोर्ट करेंगे ये काफी कुछ निर्भर करता है, तो वो भी एक मेन मुद्दा होगा। जैसे कि पाकिस्तान का अगर आप एग्जाम्पल देखें, पाकिस्तान सपोर्ट तो नहीं कर पाता राइट हमास को या फिर फिलीपींस को किसी भी तरीके से, चाहे वो मिलिट्रली हो चाहे वो आप इकोनॉमिकली देखिए सप्लाई और सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू कर तो नहीं पाता, लेकिन आपके यहाँ बात जरूर होती है उसकी, क्योंकि वो एक मुस्लिम साबिंग कॉर्नर्ड इन अ पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड करके वहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल पॉलिटिक्स जरूर होती है, पर हो नहीं पाता, कुछ किया नहीं जा पाता। तो ये मैटर करता है कि हो हल्ला बहुत होता है, लेकिन कोर में कौन सपोर्ट करेगा कौन पीछे से सपोर्ट नहीं कर पाएगा, ये सब कुछ चीजें मैटर करेंगी। अल्टीमेटली मुझे लगता कि ये स्पाइरल आउट होगा, ये काफी हद तक डोमेन में कंटेन करके कंट्रोल रखा जाएगा, लेकिन इसके इम्पैक्ट सप्लाई चेन से लेके इकोनॉमी पर और ग्लोबल पॉलिटिक्स पर बहुत पड़ेंगे। एक और फैक्टर है अमेरिकन इलेक्शन भी देखना होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप अगर वो जीतते हैं और आते हैं तो क्या कुछ होगा, क्योंकि वो उनके ना हमेशा से दावा रहा है कि मैं आ जाऊंगा तो 24 घंटे में ये वाली वॉर खत्म करा दूंगा और वो वाली वॉर खत्म करा दूंगा। ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स नो डाउट एज फार एज जियो पॉलिटिक्स इज कंसर्न, तो ये भी एक बड़े फैक्टर रहेंगे। तो अगले कुछ हफ्ते में देखना होगा, इट्स विल बी टू अर्ली कि ये कहना कि अक्टूबर के मिड तक में ये हो जाएगा, नवंबर के उसमें ये हो जाएगा। देखिए रशिया यूक्रेन वॉर 2 साल से ज्यादा हो गई, चली जा रही, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, इस तरह की वॉर्स को रुकना चाहिए। और एक तरफ ये भी इम्प्रेशन है कि अमेरिका जो है वो चाहता है कि वॉर चलती रहे, क्योंकि जाहिर है उनके हथियार बिक रहे हैं, उनका काफी फायदा है। लेकिन कमिंग बैक टू एससीओ की मीटिंग अगर हम देखें तो ये कहा जाता है कि जी वो पाकिस्तान का इवेंट नहीं है, पाकिस्तान होस्ट जरूर कर रहा है लेकिन इवेंट पाकिस्तान का नहीं है, और इसलिए आपके जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी आ रहे हैं। इसी तरह से क्रिकेट जब होती है तो क्रिकेट के वर्ल्ड कप हो रहा हो या कोई भी चीज हो रही हो क्रिकेट से रिलेटेड, तो कहा जाता है अगर पाकिस्तान में होगा, जबकि वो भी पाकिस्तान का इवेंट नहीं होता है, वो भी इंटरनेशनल इवेंट होता है, तो आप लोग कह देते नहीं हम तो आएंगे नहीं पहले जब तक टेररिज्म बंद नहीं होगी, और कई दूसरे रीजन दिए जाते हैं
तो जैसे अभी SCO की मीटिंग अटेंड की जा रही है, ठीक है, उस पर इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं होगी, तो इसी तरह से जब क्रिकेट होती है और इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, तब भी आपके यहाँ की टीम आ जानी चाहिए, इतना इतना क्या मतलब नाराजगी हो जाती है क्रिकेट के टाइम पे? आरजू इंडिया एक लौती टीम तो है नहीं कि जिसको पाकिस्तान में आने से यू नो किसी तरह का एतराज हो। बहुत सारी टीम बहुत समय पे, आई एम श्योर रिसेंट पास में आपको याद होगा, जो मना कर दिए सिक्योरिटी रीजन से नहीं आने के लिए। अधिकतर टीम तो लास्ट मिनट तक उनके बोर्ड डिसाइड कर रहे होते हैं, सिक्योरिटी रिव्यू कर रहे होते हैं। और मैं फैक्चुअल बात कह रहा हूँ, आपके व्यूअर्स ये गूगल करके चेक कर सकते हैं कि यू नो पिछले कई सालों में कितने क्रिकेट बोर्ड मना कर चुके हैं। क्या ये फैक्ट नहीं है कि वहां पर क्रिकेट टीम्स पे, आई रिमेम्बर श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर टेरर अटैक हुआ था, क्या इस तरह के अटैक्स या फिर थ्रेट्स नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो अगर श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर टेरर अटैक हो सकता है, बाकी क्रिकेट टीम्स पर इस तरह के थ्रेट हो सकते हैं, सो आई एम श्योर इंडिया पे तो सबसे ज्यादा, इंडियन टीम पर सबसे ज्यादा थ्रेट होगा। तो इंडियन BCCI कोई पहली बोर्ड नहीं होगी जो ये इस तरह से अपना स्टैंड मेंटेन कर रही है, इससे पहले बहुत सारे बोर्ड्स रह चुके हैं। पर ठीक है, पाकिस्तान को जनरली यू नो कुछ भी अगर चीजें खराब होती हैं तो इंडिया को ब्लेम करना होता है। बाकी तो यू नो जैसा ICC के अब हेड बन गए तो उन्हें भी स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स काफी कुछ आती है, उनके पिताजी यहाँ पर होम मिनिस्टर हैं। लेकिन ऐसी आप यहाँ से टेनिस की टीम आती है, बैडमिंटन की टीम आती है, हॉकी की टीम आती है, बाकी टीम्स आती हैं, क्या उनकी जान कीमती नहीं है? कि उन लोगों को तो भेज देते, कुछ भी नहीं कहते, और क्रिकेट वालों के टाइम पे आपको लगता है कि अटैक हो जाएगा? हाँ, इट्स ऑब्वियसली काफी पॉपुलर है टेनिस और हॉकी वाले, और बाकी जो टीम्स हैं वो कितनी पॉपुलर है कब आके चली जाती हैं, ना आपके मीडिया में होता है ना हमारे मीडिया में होता है, अनफॉर्चुनेट पार्ट है वो। अगर आप स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि वो स्पोर्ट्स हमारे दोनों देशों में इतने पॉपुलर नहीं है जितना क्रिकेट है, बट अच्छा दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन कि स्पोर्ट्स में उन्हें भी उतनी तवज्जो मिलनी चाहिए। पर जाहिर सी बात है कि इंडियन क्रिकेट टीम वहां पर जाएगी तो बहुत ज्यादा हाई रिस्क होता है, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया ने खेलने से मना कर दिया। पर अगर आप ये देखें कि जब यहाँ पर IPL होता है तो आप क्या उसको क्या कहते हैं, PCL, राइट? जी। तो एक एक राइवलरी भी होती है बोर्ड्स की। अगर BCCI के लॉन्च करने के बाद में अगर वहां पर PCB अपना कोई PCL लॉन्च कर देती है तो जाहिर सी बात है कि PSL या तो वही तो वो लॉन्च कर देती है तो एक एक जाहिर सी बात है कि कॉम्पिटिटिवनेस रहेगा और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इंडियन क्रिकेट टीम पर थ्रेट था, है और आगे भी रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ दी गवर्नमेंट्स, अंटिल पाकिस्तान पे जो टेरर वाला साया है ना वो हट नहीं जाए। हमारी क्रिकेट टीम छोड़िए, यू नो आई एम श्योर आप नागरिकों को भी वहां पर बहुत कभी कभार यू नो डर लगता होगा, आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्लास्ट हो जाते हैं, तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो अगर BCCI हाँ भी बोल दे, आई एम श्योर आधे प्लेयर्स जाने से मना करते हैं कि मैं रेस्ट ले रहा हूँ ये वाले मैच में, ये वाले सीरीज में, बाकियों को यू नो भेज दीजिए। सो ये इंडिविजुअल वो चीज है। देखो और महत्वपूर्ण बात मैं जरूर कहूंगा, BCCI इज नॉट कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। BCCI कोई स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंडर आने वाली अथॉरिटी नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और इसीलिए BCCI को क्या करना है क्या नहीं करना है वो इंडियन गवर्नमेंट या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री डिसाइड नहीं कर सकती, उनकी एक अपनी यू नो इंडिपेंडेंस है। पर वहाँ पर अगर आप कंपेयर करेंगे कि हॉकी या फिर बाकी स्पोर्ट्स से, वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंडर डिफरेंट वर्टिकल्स में आते हैं, तो BCCI जो करना चाहेगा वो करेगा, जैसे कि PCB करता है। सो देर आर ऑब्वियसली वेरी मेनी लेयर्स यू नो कि अगर हम देखते हैं कि वहाँ पर आपके पाकिस्तानी कई क्रिकेटर्स हैं जो इंडियन आर्मी को लेकर यू नो अपशब्द कहते रहते हैं, जो कश्मीर को लेके कहते रहते हैं, तो ये एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, और इस वजह से BCCI अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेगा, चाहे वो यू नो स्पोर्ट्स ग्लोबल पॉलिटिक्स हो, कमर्शियल राइवलरी हो, या फिर थ्रेट परसेप्शन हो, बहुत सारे लेयर्स होते हैं, उसके बेसिस पे डिसीजन लेगा।
कह रहे हो हमारे क्रिकेटर्स जो हैं जो जो रिटायर हो जाते हैं मतलब क्रिकेट में से, वो डेफिनेटली क्योंकि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं तो वो सबसे पहले उनको यही होता है कि भारत के ऊपर कोई कमेंट कर दें तो शायद हमें लोग सुनने लगे, इस वजह से शायद वो कहते हैं। वैसे उनको बहुत ज्यादा लोग सुनते नहीं है ना ही अप्रिशिएट करते हैं उनकी उस बात को। लेकिन लास्ट में मैं ये जरूर हमारे पूछूंगी जी। काफी में एक्टिव रहे हैं, और यहाँ तो हमारे कैटेगरी भी है, अपर हाउस जो है पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, वहां पर स्पोर्ट्स को लेके नॉमिनेशन भी होता है। जरूरी नहीं कि हमेशा क्रिकेटर्स को यूज, सचिन तेंदुलकर राज्यसभा मेंबर, और भी बाकी स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज, चाहे वो पठान ब्रदर्स हो, इरफान पठान एंड यूसुफ पठान की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे आप रविंद्र जडेजा की वाइफ को देख लीजिए, सैयद का जो 1983 वर्ल्ड कप के जो प्लेयर्स हैं वो भी एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे और ऐसा आगे रहेगा, बट उनकी राजनीति पीओके पे कमेंट करके नहीं बनती, जो कि आपके अनफॉर्चुनेटली होती है। तो ये एक एक बड़ा डिफरेंस है। वो अगर यहाँ पर पॉलिटिक्स में आते हैं, चाहे वो अपर हाउस में है, लोअर हाउस में है, स्टेट प्रोविंशियल जो इलेक्शन होता है हमारे यहाँ असेंबली इलेक्शन, उसमें भी आते हैं, तो वो लोकल मुद्दों को लेके कहते हैं। अभी अगर यूसुफ पठान वेस्ट बंगाल में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो पीओके पे थोड़ी कमेंट कर रहे होते हैं, तो वो अपने लोकल इश्यूज को लेके करते हैं। रविंद्र जडेजा की वाइफ अभी एमएलए है, तो वो पाकिस्तान के साथ रविंद्र जडेजा के ट्रैक रिकॉर्ड, स्ट्राइक रेट कितना अच्छा है, कितने विकेट लिए, उसके बेसिस पे थोड़ी लड़ रहे होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे प्लेयर्स हमारे भी रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान रिलेटेड पॉलिटिक्स चलाते नहीं, और यहाँ पर वो वाली चीज चलती भी नहीं है। नहीं अब अगर ये पीओके जाएंगे या आजाद कश्मीर जाएंगे तो डेफिनेटली फिर वो भारत के बारे में ही कमेंट करेंगे ना, वो तो अगर कहीं और हो पाकिस्तान में तब वो दूसरे एरियाज की बात करते हैं। पीओके छोड़ो, इस्लामाबाद में भी रैलीज में आपके यहाँ क्रिकेटर्स मैंने देखा है, इंडिया की एंटी इंडिया कश्मीर रिलेटेड पॉइंट्स कर रहे होते हैं बात। खैर वो मे भी लोग सुनने लगे या लोग थोड़ी इम्पोर्टेंस दे दें इसलिए करते होंगे, अदरवाइज हमारे तो खैर बहुत ज्यादा क्रिकेटर्स हैं भी नहीं पॉलिटिक्स में, दो चार ही होंगे जिन जिनको इंटरेस्ट होगा या जो शो करते हैं अपना इंटरेस्ट। लेकिन मैं ये जरूर पूछूंगी लास्ट में, राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि पाकिस्तान को IMF से ज्यादा बेल आउट पैकेज भारत से मिल सकता है, उनसे पूछेगा वो सीरियस है क्या या मजाक कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के नहीं, मजाक हम लोगों को अच्छे नहीं लगते, हम लोग ऐसे मजाक सीरियस सीरियस हो जाते हैं हम लोग। कोई लोन देने की बात कर देगा और फिर देगा कि नहीं देगा, ये नहीं अच्छा लगता कि बोला तो यार देते। हाँ हाँ ना या तो बोले नहीं, ये मतलब ये तो अजीब छेड़ने वाली बात है, हमने तो कुछ कहा भी नहीं भारत से ना कुछ मांगा है, अब वो खुद ही कह रहे हैं, तो आप एज ए जर्नलिस्ट उनसे जरा मुझे पूछ के बता सकेंगे कि वो सीरियस है तो हम लोग कुछ सोचें। आप लेने के लिए तैयार हैं तो जितना श्रीलंका को 4 बिलियन का हमने लोन दिया है, हम शायद 40 बिलियन दे दे और पीओके ले ले। नहीं नहीं तो हम अगर आप चीन को आप चीन को लोन लेकर आपकी जमीन और प्रोजेक्ट्स गिरवी रख सकते हैं, सीपेक और उस OBOR वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के अंडर में, हम उससे ज्यादा देने के लिए तैयार हैं और पीओके गिरवी रख दीजिए। गिरवी रखा है, गिरवी रखना और बात होती है, चाइना हमसे लेके बता दे, हमने उसे कहा है कि बस ठीक है ये जमीन आपकी हम दे देंगे, लेकिन हमने दी तो हम नहीं है देंगे, ना, देंगे नहीं। हम आएगी दे देंगे, लेकिन देंगे नहीं। एक्चुअली आई होप आप आपका एक ये शो, एग्जांपल मुझे बता दें जिसमें हमने उन्हें जमीन दे दी, उन्होंने हमसे जमीन ले लियो, आप एक अभी तो कर्जे एग्जांपल में मुझे फंसे बता हुए दें। हैं, हमसे हम कहते हैं ना वो प्रोजेक्ट चलते रहेंगे, पिछले अगले जन्म तक चलेंगे, उसमें क्या है। अभी अभी तो प्रोजेक्ट्स के इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाले लेवल पे वो गया है। अभी तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रही है, इसीलिए अब वहां पर है। जब वो एक लिमिट क्रॉस करेगा तो जाहिर सी बात है वही होगा, श्रीलंका में भी वही हुआ था, राइट? और उसी टाइम पे इंडिया ने श्रीलंका को 4 बिलियन US डॉलर का सपोर्ट किया। अब ये सब फैक्चुअल फैक्चुअल बात है, वो कोई ये बात नहीं है कि, और अभी रिसेंट बात है, अभी पिछले साल ही हुआ, श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस को किसने संभाला? इंडिया ने संभाला, और 4 बिलियन इज अ बिग अमाउंट। तो वो राजनाथ सिंह ने जो कहा है वो सही कहा है कि आप कहाँ कुछ मिलियन लेने चले जाते हैं कि आपका ब्याज और इंटरेस्ट पे हो जाएगा। आप हम जो कह रहे हैं वो आप टॉक एंड टेरर वाली बात है, आप आतंकवाद को खत्म कर दीजिए, हम उससे ज्यादा दे सकते हैं जो आप इतना IMF से मांग सकते हैं। तो ये कोई पूछने और बोलने वाली बात नहीं, ये तो जाहिर सी बात है इंडिया ने करके दिखाया है।
इंडिया ने, आप देखिए पाकिस्तान से छोटे कंट्रीज जो इंडिया के आसपास में हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो सेशल्स हो, चाहे वो मॉरिशस हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो भूटान हो, अभी भूटान के यू नो लीडरशिप में यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है वहां पर धन्यवाद किया इंडिया का, राइट। सो हम तो चाहे वो लोन की बात हो, चाहे वो सपोर्ट की बात हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हमने तो किया है। पाकिस्तान ने छोटी छोटी कंट्रीज को किया हमने, तो यू नो हमने तो कभी उनसे इस तरह का कोई वो नहीं किया कि भूटान को ये दे रहे हैं उसके बदले वो ले लेंगे, श्रीलंका को ये दे रहे हैं उसके बदले वो ले लेंगे, बिल्कुल नहीं किया। मालदीव्स भी लाइन पे आ गया ना, एज वी स्पीक मालदीव का प्राइम मिनिस्टर इंडियन एयरफोर्स के सिविल एयरक्राफ्ट में बैठ के न्यू दिल्ली में है और 5 दिन के लिए है। वही जो बहुत मौजू यू नो कुछ महीने पहले तक बहुत आवाज निकल रही थी ना, आगे लाइन पे कितना समय लगा, हमने क्या किया, हमने कौन सा उनको यू नो कोई आर्म ट्विस्ट कर दिया या फिर हमने कोई लोन दे के उनसे जमीन या उनके यू नो समुद्री किनारे ले लेंगे, तो नहीं किया। समय से बस हमने छोड़ दिया, नहीं ठीक है भैया आप देख लो, देख लिया हमने और देखिए वो आ गए, एक आध दिन नहीं 5 दिन के लिए आए यहाँ पे और वो भी इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट में बैठ कर आए हैं। सो हम छोड़ के भी आएंगे अच्छे से आराम से। पर द अप्रोच ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, और वो ऐसा नहीं है आरजू की मतलब ये सरकार आई है तो तभी इस तरह का अप्रोच हुआ, इसके पहले वाली गवर्नमेंट्स ने भी, चाहे वो बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो यूपी और कांग्रेस वाली गवर्नमेंट, सो बाय एंड लार्ज इसी यू नो फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से हम चले हैं। यस नो डाउट इस गवर्नमेंट ने फॉरेन पॉलिसी को प्राइमरी यू नो टॉप प्रायोरिटीज वाली चीजों में डाला है और इसीलिए आज डॉक्टर जयशंकर आपने कहा ना कि पॉपुलर है, वो इसीलिए है क्योंकि इंडियंस की एस्पिरेशन सब ग्लोबल है। सो वो फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स इंडिया में रैपिडली इंप्रूव हुई है और हमारे जो नेबरहुड है वहां पे बहुत लाउड एंड क्लियर सपोर्ट हमेशा से गया है और ये मैसेज हमेशा से ही रहा है हमारे लीडर्स को। मिजू को हमने कब मालदीव्स के मिनिस्टर ने इंडिया के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ बोला था ना, हमारे यहाँ तो किसी ने बोला नहीं था, हमारे यहाँ तो क्या किया प्रधानमंत्री, बस वहां चले गए यू नो लक्षद्वीप में एक बार समंदर की सैर करने और ये ऐसे डाइव हो गया पूरे टूरिस्ट का नंबर, और ये फिर जैसे उनके टूरिस्ट का नंबर डाउन हो गया वैसे ही इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट में मौजू बैठ के यहाँ पे 5 दिन के लिए आ गए। सो हम कोई आम ट्विस्ट नहीं करते, तो राजनाथ सिंह ने जो कहा है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है और इंडिया ने करके दिखाया है दूसरे नेबरहुड में, बहुत सारे भूटान हो, श्रीलंका हो, उसके बारे में हम बहुत ज्यादा ढोल नहीं पीटते, तो अगर आप लेने के लिए तैयार हैं लोन तो हम आई एम श्योर देने के लिए तैयार है, पर लोन हमेशा कुछ कंडीशंस के साथ होती है, राइट, कुछ अग्रीमेंट साइन होते हैं, तो वो उस अग्रीमेंट्स में क्या पॉइंट्स होंगे ये कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं है, आई एम श्योर आपको भी पता है, हमको भी पता है, वर्ल्ड में सभी को पता है, आपके सारे व्यूअर्स को भी पता होगा कि लोन देंगे तो फिर ये मत कीजिए कि उसी पैसे से ना गोला बम बारूद खरीद के अपने पाकिस्तानी आर्मी का बजट 15-25% और बढ़ा दो, अभी इस बार बढ़ाया ना 3 महीना पहले, बढ़ा दो और फिर वही वापस यू नो एलओसी पर भेज दो। लोन लीजिए, किस चीज के लिए ले रहे हैं, आवाम के लिए, वहां पर उन्हें कंफर्ट दीजिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कीजिए, लोन तो हम दे सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, वर्ल्ड के फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। खैर देखते हैं सर क्या होता है, इसलिए कि ये स्टेटमेंट लोगों को बहुत पसंद भी आया लेकिन बहुत अजीब भी लगा, लेकिन खैर हमारी नज़र जो है वो रहेगी फिलहाल तो डॉक्टर जयशंकर के विजिट पर, और आई होप के दोबारा आप ज्वाइन करेंगे जब डॉक्टर जयशंकर यहाँ होंगे और हम मजीद बात कर सकेंगे कि उनका विजिट कैसा रहा और जाने के बाद भी वो क्या स्टेटमेंट देते हैं, डेफिनेटली वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगी। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, थैंक यू आरजू, देखते हैं डॉक्टर जयशंकर वहां पर चौके मारते हैं या छक्के। बिल्कुल ऐसा ही है, या फिर पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं, हमारे लोग भी तैयारी तो कर ही रहे होंगे ना, खाली तो नहीं बैठे होंगे, तो इसलिए अगली टीम को कमजोर नहीं समझना चाहिए, टैलेंटर नहीं है। बिल्कुल ऐसा, अगर मैं तो डॉक्टर जयशंकर की टीम के साथ हूँ इसलिए मुझे पहले यहाँ बुरा भला कहा जा रहा है, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि हमारी पाकिस्तान की टीम भी आई होप के अच्छा खेलेगी, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।